हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर फैब्रिक है मेरे पास। ये कॉटन सिल्क फैब्रिक है, इस पे ये कढ़ाई वाला वर्क किया हुआ है। देखिए, मोर प्रिंट वर्क है इसके ऊपर। और ये जो ब्लाउज़ का पीस है यहाँ पर, ये देखिए जो एम्ब्रॉयडरी नीचे दी हुई है वहाँ पर हम स्लीव्स बनाएंगे। तो इसका फ्रंट पार्ट भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। अभी इस वीडियो में मैं बैक नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 34 साइज़ का। तो 34 साइज़ का बैक नेक कट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। और ये डीप नेक पर रहेगा। तो सबसे पहले हमें टोटल लेंथ रखनी है, जितनी भी आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच। और डीप नेक है तो डीप नेक के अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन में मैं शोल्डर रख रही हूँ 5.25 इंच। अगर आप शोल्डर कम रखना चाहें तो 5 इंच भी ले सकते हैं। और आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। और 1/2 इंच हम इस तरीके से बाहर की तरफ करते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे। बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गुलाई करेंगे। कमर का चौथा भाग लेना है, कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए। तो देखिए, मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है बैक पार्ट की। और अब हमने इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और उसके बाद इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कटिंग कर दिया है। मैंने इसे पेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लिया है। गले का पैटर्न यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने यहाँ पर 2 इंच की। और गले की टोटल लेंथ लेंगे 10.5 इंच, 10.5 इंच। और नीचे से नेक विड्थ लेंगे हम 3 इंच। इस तरीके से हमें एक स्क्वायर बॉक्स यहाँ पर बना लेना है। और चौकोर हम यहाँ पर गले को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर पॉट शेप बनाना है। अगर आप यहाँ पर राउंड शेप रखना चाहें डीप में तो वो भी कर सकते हैं। गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से और भी ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लिया है। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप सिंपल इसे सिलाई लगाकर पलट भी सकते हैं। तो गले की विड्थ रखनी है 2 इंच की। और गले की टोटल लेंथ ली है 10.5 इंच। नीचे से नेक विड्थ लेंगे हम 3 इंच। ये देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं नीचे से। और पॉट शेप यहाँ पर देखिए, मटका शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। ऊपर से गले की चौड़ाई का छोड़ देंगे 1/2 इंच। और इसके बाद हमने कर लेना है इसे कट। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। सेंटर में कट लगा लेंगे। और जो अस्तर वाला हमारा ब्लाउज पीस है इसके ऊपर हम इसे रखकर प्रेस से चिपका लेंगे, या फिर आप इसे सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है। सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए यहाँ पर इसे अटैच करना है पेपर पेस्टिंग को। अब हम यहाँ पर देखिए सिलाई लगाएंगे। तो गले के ऊपर आपको सिलाई लगाना है पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए। ये देखिए, मशीन के टाके को आपको बारीक रखना है, छोटा रखना है। और इस तरीके से चिपकाते हुए सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। अब हमें इसे कट करना है। तो बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर लेना है। सिर्फ इतना ही फैब्रिक हम रखेंगे, एक पैर के मार्जिन जितना। और पूरे ही नेक पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, एक सिलाई से इस तरफ करते हुए लगानी है। हाथ से नीचे से मार्जिन को भी हमें अस्तर की तरफ करना है। और देखिए, इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई हम अस्तर वाले फैब्रिक पर लगा रहे हैं, कॉर्नर की लगानी है। ये वाली सिलाई लगाने के बाद कपड़े को हम करेंगे अंदर की तरफ फोल्ड इस तरीके से। अच्छे से यहाँ पर पहले हमें हाथ से फिनिशिंग कर देनी है, उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई और लगा लेंगे हम इस तरीके से।
ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद अब हम साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। साइड से सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट करके निकाल देना है। फैब्रिक को मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है और अब अच्छे से फिनिशिंग इसमें हो गई है। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे, सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर हमें प्लिट्स डाल देनी है, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद लगा लेंगे हम नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो 1.5 इंच की चौड़ाई में आपको कमर पट्टी को लेना है और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करना है। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। अच्छे से फिनिशिंग के साथ पट्टी को हमें फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ। तो ये बैक पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसके ऊपर डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पर पट्टी लेंगे। तो ये पट्टी मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई में ली है और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई हम इस तरीके से लगा लेंगे और यहाँ पर हमें बनानी है ब्लाउज़ की डोरी। तो जैसे हम ब्लाउज़ की डोरी बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपको ये पट्टी तैयार करनी है। पट्टी को आप सीधे में या उरेप में ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। और इस पट्टी को अब हम पलट कर सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को पलट कर हमें सीधा करना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने पट्टी को पलट करके सीधा कर लिया है यहाँ पर। और अब इसके छोटे छोटे पीसेस हमें कट करने हैं। तो 1.5 इंच की लंबाई में आपको इसके पीसेस कट कर लेने हैं और भी पट्टी इसी तरीके से डोरियाँ आपको बनाकर रेडी करनी है, क्योंकि ये पट्टी हम पूरी ही गले पर लगाएंगे। अब हमें इन डोरियों को देखिए ऊपर से 1 इंच की गैप देते हुए मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए लगाना है। देखिए थोड़ा सा ऊपर का मार्जिन का जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो वहाँ से उतना पार्ट आपको छोड़ देना है और फिर इन्हें नीचे की तरफ इस तरीके से लगा लेना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए लगा रही हूँ, क्योंकि वो जो गैप रहेगा उसके ऊपर हम मोती अटैच करेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें एकदम पास पास में भी लगा सकते हैं और फिर इन लूप के ऊपर आप मोती अटैच कर सकते हैं। पर मैं लूप के ऊपर ना लगाते हुए सेंटर में मोती अटैच करूँगी। तो देखिए हमें इसके लूप बनाते हुए पूरे ही नेक पर लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए। ज़्यादा गैप आपको नहीं देना है, ये देखिए बस उतना ही गैप देंगे कि जितने में हमारा मोती फिक्स हो जाए। यहाँ पर पूरे ही नेक पर मैं इसे लगा कर कंप्लीट कर लूँगी यहाँ पर। ये देखिए मैंने लगाकर इन्हें कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर लेस। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने गोल्डन कलर का लेस यहाँ पर लगा लिया है नेक के ऊपर और इसके दोनों कॉर्नर पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद मैं नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। लेस को सिलाई लगा कर हम अटैच कर देंगे और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मोती। तो देखिएगा इस तरीके से हमें मोतियों को अटैच करना है, ये देखिए। लूप के अंदर से सुई को निकालना है और लूप के पास हमें मोती को अटैच करना है इस तरीके से। सुई में आप 4 फोल्ड करके धागा लीजिएगा ताकि
जो धागा है वो अच्छे से पक्का रहे, और जहाँ पर भी आपका धागा ख़त्म हो जाता है अच्छे से आपको वहाँ पर नॉट लगा लेनी है। देखिए फिर से बता रही हूँ मैं आपको, इस तरीके से मोतियों को लगाना है तो ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। आप अपने स्लीव्स के जो नीचे बॉटम होती है वहाँ पर भी ये डिज़ाइन बनाकर लगा सकते हैं। ये देखिए अच्छे से अब हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे और ये ब्लाउज़ डिज़ाइन हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।